कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? जब बच्चा 22-24 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो हम कहते हैं बच्चे हमारे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे हमारे नमाज नहीं पढ़ते, सुनते ही नहीं। उस वक्त माँ तो बूढ़ी हो गई, सारी ख्वाहिशात तो उसकी पूरी हो चुकी, जितना ऐश करना था कर लिया, जितना नफ्स पे की ख्वाहिशात को पूरी करना था वो कर लिया। अब वो खुद तो बूढ़ी हो गई, अब वो नमाज पढ़ने लगी और चाहती है कि अब भी मैं सुधर गई हूँ तो बच्चा भी अभी के अभी सुधर जाए। एट द एज ऑफ 25-30 क्या हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते? अरे जब आप जवान थे, जब आप नमाज पढ़ रहे होते, तो आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़े होकर सलाम पढ़ता और फिर वो सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहता। तो हमने खुद अपनी जवानी में नमाजें नहीं पढ़ी, तो बुढ़ापे में चाहते हैं बच्चे हमारी तरह बूढ़े हो जाएं, बस अभी नमाज पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी नमाज का जो सही उम्र है वो अल्लाह के रसूल ने वाज़े कर दिया था ना। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 किताबुस्सला बाब नंबर 175 हदीस नंबर 491। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो नमाज के लिए मारो। तो हल्की जरब भी लगाई जा सकती है, पिटाई करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि उठाओ ढोल की तरफ पिट डालो बच्चे को, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, इस तरह पिटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हल्की जरब लगाने की इजाज़त है कि थोड़ा मारा भी जा सकता है 10 साल की उम्र में। तो नमाज का हुक्म देना माँ बाप का फर्ज है, अगर वो सही टाइम पे अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो खुद मुजरिम है। अगला सबक जो हज़रत लुकमान ने दिया था अपने बच्चों को वो था दावत का, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, कि भलाई का हुक्म देते रहना और भलाई से रोकते रहना, भलाई का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना। क्या हम अपने बच्चों को अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का ऑर्डर देते हैं कि हर अच्छी बात की तरफ लोगों को बुलाओ और बुराई से रोको? आफ्टर ऑल जो हम आश्रय में अपने बच्चों को बाहर भेजने में हमें तकलीफ होती है, तो उसको भी तो इसी तरह सुधार सकते हैं ना, कि हम बच्चों को सिखाएं अच्छी बातें, फिर वो बाहर जाएं, बाहर की बुराइयों को दूर करें। कितना बेहतरीन तरीका है। तो हम अपने बच्चों को दावत इस्लाह का भी ऑर्डर दें, और जाहिर बात है कि वो हम खुद भी करें। जब हम खुद करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी दाई बनेंगे। और कुछ स्कूल्स भी ऐसे होना चाहिए जो बाकायदा ये तरबियत दें, ट्रेनिंग दें इस बात की कि किस तरह दावत का काम किया जाए। तालीमी इदारे भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस भी होना चाहिए जहां पे लोगों को दावत इस्लाह का तरीका पता चले। अगला जो सबक था हज़रत लुकमान का, सबक नंबर 5, वो था सब्र पर। मस्कूर है कुरान हकीम में सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17 में फरमाया, वस्बिर अला मा असाबक, और हर मुसीबत पर हर परेशानी पर सब्र करो, इन दालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। हज़रत लुकमान ने अपने बच्चों को सब्र की तलकीन की, और ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को सिर्फ कंफर्ट देना चाहते हैं, उन्हें आसानी और आराम आराम और आराम देना चाहते हैं, ज़रा भी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, ज़रा सी तकलीफ़ ना हो, इतने नाजों से पालते हैं तो फिर वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। फिर बड़े होने के बाद जो स्ट्रगल पड़ती है कामयाब होने के लिए, वो स्ट्रगल बर्दाश्त करना दुलार से पले हुए बच्चे के बस का नहीं होता। वो तो दुलार में भला है तो बड़ा होके उसे बर्बाद ही होना है, क्योंकि हर जगह हो जाएगा आसानी उसे मुहैया हो और उसे दौड़ना नहीं पड़े, उसे चलना नहीं पड़े, उसे धूप में नहीं जाना पड़े, तो कामयाब भी नहीं हो सकता है। तो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए सब्र की तलकीन बहुत ज़रूरी है। तो सब्र सिखाएं बच्चों को, जो चीज़ आपके पास मुहैया भी हो तो कभी ना दें, आपके पास हो बच्चा मांग रहा हो तो भी कभी ना दें, उन्हें सब्र करना सिखाएं। कभी अच्छे हालात में रखें तो कभी टफ कंडीशंस में रखें, कभी धूप में भी रखें, कभी गर्मी में भी रखें, कभी खूब उनको प्रोटेक्टेड तो रखना आपका आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जितनी चीज़ वो सह सकते हैं उतनी सख्तियाँ भी डालना चाहिए, और डाल के उन्हें उनको ट्रेनिंग करना चाहिए। तो सब्र की तलकीन भी हज़रत लुकमान ने की, बेहतरीन चीज़ थी जो हमें भी करना चाहिए।
अगली तलकीन जो है यानी सबक नंबर 6 वो अखलाक पर है और वो एक जुमला नहीं है, वो पूरे पूरे 6 जुमले हैं। अखलाक तो सब पर हावी है, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक की ज़रूरत तो हर वक्त है, दिन में हर मिनट अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फरमाया सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 18 और 19 में, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कि लोगों के सामने अपने गाल ना फुला, वला तमशी फिल अर्द मरहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, और ज़मीन पर इतरा करना चल, किसी तकबर करने वाले और शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इन दोनों जुमले में किस तरह से तकबर और बड़ाई और इतराने को और अकड़ को रोका गया है कि लोगों के सामने अकड़ के साथ अपने आप को पेश ना कर। तो क्या हम अपने बच्चों को शाइस्तगी सिखाते हैं, तकबर से परहेज करने को कहते हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं। आगे का वक्सित फी मशिक, और अपनी रफ्तार में म्याना रवि इख्तियार कर, वक्सुज में सौतिक, और अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर, इन्ना अनकर अलस्वात लसौतुल हमीर, और बुरी आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ है गधे की आवाज़। यानी चाल में भी नरमी होना चाहिए, चाल अकड़ के नहीं होना चाहिए, ये भी अब खुद भी सीखने की ज़रूरत है और बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है, और आवाज़ भी बच्चों से कहने की ज़रूरत है, इतना रेज ना करें, बड़ों के सामने इतनी तेज़ आवाज़ में बात ना करें। ऊंची आवाज़ में बात करना है तो बुरी से बुरी आवाज़, गधे की मिसाल दी गई है। तो इस तरह से अखलाकियात सिखाने की भी इंतहाई ज़रूरत है, और अपनी औलाद की अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना ना सिर्फ फ़र्ज है बल्कि हम पर कर्ज है, और ये कर्ज हमें अदा करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। तो अगर हम सीरियस हो गए हों तो अच्छी बात है, नहीं सीरियस हुए हों तो हम पूछना चाहेंगे आप क्यों कर सीरियस नहीं हैं, जबकि माहौल इतना ख़राब है, अभी भी बच्चे की तरबियत के लिए क्यों कर सीरियस नहीं है। आप देखिए पूरे माशरे में जरायम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद उसी माशरे में हमारे बच्चे को परवरिश पाना है। तो ऐसे माशरे में अब और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दीनी तालीम और तरबियत करें। आप ज़रा स्टार्ट उठाकर देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2006 के अकॉर्डिंग जो वॉयलेंट क्राइम्स खतरनाक किस्म के जुर्म हुए हैं वो 2,05,656 वॉयलेंट क्राइम्स हुए 2006 में, और 2011 में देखिए कितने बढ़ गए, 68,000 बढ़ गए, 268,320 वॉयलेंट क्राइम्स होते हैं 2011 में। तो कुछ ही सालों में इतने ख़तरनाक किस्म के जुर्म जैसे कत्ल है और जिना है, खुरेजी है, ये बड़े बड़े जुर्म जो हैं वो इतनी तादाद में हर साल हो रहे हैं, लाखों की तादाद में, इन्हीं के दरमियान हमारे बच्चों को रहना है। 2011 में सिर्फ 24,700 रॉबरीज हुई हैं, डाका जनी 24,700 सिर्फ एक साल में डाका जनी हो रही है। इन्हीं लोगों के बीच में हमारे बच्चों को परवरिश पाना है। हम बच्चों को डब्बे में बंद करके तो नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या? जैसा माहौल है आजकल, माओं का दिल चाहता होगा हम किस चीज में बंद करके बच्चे को रख दे, वो बाहर के माहौल का हवा ना लगे उसे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें घर में रखना होगा, स्कूल भेजना होगा, और माशरे में भी छोड़ना ही होगा, हर हाल में ज़रूरत है, मजबूरी है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके कि हम उनकी अच्छी तरबियत करें कि वो बाहर का कितना भी बुरा माहौल हो वो अपने ऊपर ना लें। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स भी इतनी बुरी है, चाहे इंडिया की बात करो चाहे अमेरिका की, हालात उतने ही बुरे से बुरे हैं। FBI के स्टैटिस्टिक्स है अमेरिका की, 2011 में 5,014 सिर्फ बैंक रॉबरीज हुई हैं, सिर्फ बैंक रॉबरीज। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस एंड सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1998 की रिपोर्ट है कि अमेरिका में हर 6 में से एक औरत के साथ जिना बिल जबर होता है, हर 6 में से एक औरत के साथ, 14.8% के साथ मुकम्मल जिना, और 2.8% के साथ जिना यानी रेप की कोशिश, अटेम्प्टेड रेप।
इन ये माहौल है सराउंडिंग का। एनसीआरबी 2011 की रिपोर्ट है 24,208 जिना बिलजब्र इंडिया में भी हुए हैं 2011 में 24,208। न सिर्फ रेप बल्कि इंसेस्ट भी बहुत तेजी से फैल रहा है। व्हाट इज इंसेस्ट, क्या होता है इंसेस्ट? इंसेस्ट मींस सेक्स विद क्लोज रिलेटिव्स, मदर डॉटर, फादर मदर सन, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इनके दरमियान जिस्मानी रिश्ता, ये इंसेस्ट कहलाता है। और इंसेस्ट ना सिर्फ अमेरिका में है, वहाँ तो हर 12 में से एक इंसान इंसेस्ट का शिकार है। अब ये इंसेस्ट हिंदुस्तान में भी आ गया है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे पता है आपको, सिर्फ इंडिया में 2012 में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 346 इंसेस्ट हुआ, सिर्फ इंडिया में 346 इंसेस्ट रिकॉर्ड हुआ। कितने तो रिकॉर्ड ही नहीं होते, उसकी तो बात ही मत करिए। सिर्फ दिल्ली शहर में 41 इंसेस्ट केसेस 2012 में पाए गए, यूपी में 12 केसेस इंसेस्ट के पाए गए। सोचिए ऐसी घिनौनी चीजें हैं सराउंडिंग में, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे? जैसा बच्चा बाहर मैला होके घर के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसका हाथ मुंह धुलाते हैं, उसको मैल कुचैल साफ करते हैं। सिवाय इसके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को मोहल्ले में छोड़ना है तो उसकी मैल कुचैल को साफ किया जाए, उसका तस्किया किया जाए, उसका ब्रेन वॉशिंग की जाए कि बाहर की बुराई का असर वो ना ले और बाहर की बुराइयों को मिटाए, हम तो कहते हैं। तो इस तरह हमें दीनी तरबियत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम अपने बच्चों को पूरा पूरा महफूज रख सकेंगे, ज़रा सा भी वायरस उसे नहीं लगेगा इन बुराइयों का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपना हिंदुस्तान, तो अपने हिंदुस्तान में यूपी जिस स्टेट में हम रहते हैं उसमें मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन पूरी इंडिया में है उसकी 23% तो सिर्फ यूपी में रहते हैं, तो अगर सिर्फ यूपी को हम संभाल लें तो 1/4 हिंदुस्तान संभल जाएगा, यहाँ के बुरे हालात संभल जाएंगे। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है कि बच्चों को हम दीनी माहौल में पालें, उनकी तालीम और तरबियत के लिए सीरियस रहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्हें पालें, उन्हें तरबियत दें, उनका तस्किया करें, ताकि बच्चे हमारे दीनदार बन जाएं। और दीन तो सिर्फ अल्लाह का है और वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। तो हम दीन इस्लाम की तरफ अपने बच्चों को बुलाएं और अपने बच्चों की तरबियत करें। इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कुरान हकीम में मस्कूर एक दुआ के साथ सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 में है, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, हमारे शौहरों को और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें बना दे मुत्तकियों का इमाम। आमीन। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगी अनम जावेद एंड हलीमा अफशा को फॉर इस्लामिक सॉन्ग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा 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 कानत अव्वल किलमा। इकरा 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 कानत अजमल हिकमा। इकरा 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 कानत अजमल किलमा। इकरा 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 कानत अजमल हिकमा। इकरा बिस्मिल्लाहि तआला। इकरा वसअत नहवल किम्मा। इकरा बिस्मिल्लाहि तआला। इकरा वसअत नहवल किम्मा। इकरा 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 कानत अव्वल किलमा। इकरा बिस्मिल्लाह दुनिया हुब्बन अमलन अज़मन साया वनशुर फिल अरजाई लहदिया वतअल्लक नूरन कन्नजमा। इकरा बिस्मिल्लाह दुनिया हुब्बन अमलन अज़मन साया वनशुर फिल अरजाई लहदिया वतअल्लक नूरन कन्नजमा। इकरा 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 कानत अव्वल किलमा।
इकरा कानत अजमल हिकमा इकरा बिस्मिल्लाह तआला इकरा वसअत नहवल क़िमा इकरा कानत अव्वल कलमा इकरा बिस्मिल्लाह अलकौना अलमन अदबन फिक्रन फन्ना वतअल्लमहु रुकनन रुकना वमद बिही मौफूर अलहिमा इकरा बिस्मिल्लाह अलकौना अलमन अदबन फिक्रन फन्ना वतअल्लमहु रुकनन रुकना वमद बिही मौफूर अलहिमा इकरा कानत अव्वल कलमा इकरा कानत अजमल हिकमा इकरा बिस्मिल्लाह तआला इकरा वसअत नहवल क़िमा इकरा कानत अव्वल कलमा मिसल अत्तैर युगादिर वक़्रा मिसल अन्नहलति फौक अज़्ज़हरा इबहस अन मानन अन फ़िक़्रा अन्शिद हाफ़ी आज़ब नग़्मा मिसल अत्तैर युगादिर वक़्रा मिसल अन्नहलति फौक अज़्ज़हरा इबहस अन मानन अन फ़िक़्रा अन्शिद हाफ़ी आज़ब नग़्मा इकरा कानत अव्वल कलमा इकरा कानत अजमल हिकमा इकरा बिस्मिल्लाह तआला इकरा वसअत नहवल क़िमा इकरा कानत अव्वल कलमा इकरा वक्तुब फिल मदरसती इस्मा माना अहला लुगती वंसुम दरबन कल उम्मियती वतबा फी आखिर ही बजमा इकरा वक्तुब फिल मदरसती इस्मा माना لغتي وانسم دربا كالعميتي واتبع في آخره بزما اقرأ كانت أول كلمة اقرأ كانت أجمل حكمة اقرأ بسم الله تعالى اقرأ وسعت نحو القمة اقرأ كانت أول كلمة اقرأ كانت أول كلمة اقرأ كانت أول كلمة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بہت بہت شکریہ ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں متھرا میں آنے کے لیے اور امید کرتے ہیں اس طرح کے اور استمع میں آپ لوگ آتے رہیں گے شکریہ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے